दोस्तों आर्टिकल 370 एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसे आज की तारीख में शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। क्योंकि देखिए, जो भी पॉलिटिक्स या थोड़ा बहुत भी सामान्य ज्ञान की जानकारी रखता होगा उसे इतना तो जानकारी जरूर ही होगा कि आर्टिकल 370 क्या है। लेकिन इसे हटाने के लिए जो मास्टर प्लानिंग की गई थी, जो संघर्ष किया गया था, संवैधानिक सीमा में रहकर जो एक एक कदम उठाए गए थे, यह बहुत कम ही लोगों को पता है। और हमारी आज की फिल्म इसी जानकारी को मुंहफट होकर बताने का प्रयास करती है। इस फिल्म के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। फिल्म की शुरुआत होती है अजय देवगन के दमदार नरेशन से, जो आपका इंटरेस्ट बनाने में पूरी तरह से सफल रहती है। कहानी में हम देखते हैं कि जूनी हक्सर की कश्मीर में पोस्टिंग है, जहां वो अपनी टीम के साथ मिलकर आतंकवाद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तभी उन्हें एक आतंकवादी बुरहान वानी की लीड मिलती है, जिसने भारतीय सेना की नाक में दम कर रखा है। वो एक सीक्रेट ऑपरेशन करती है और बुरहान वानी का बुक फाड़ देती है। उसके मरते ही घाटी में अराजकता का माहौल बन जाता है और उपद्रव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। इस केओस को ध्यान में रखते हुए उसे जिम्मेदार मानकर वापस दिल्ली भेज दिया जाता है, जहां उसे राजनेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। इसी बीच केंद्र सरकार में कुछ खिचड़ी पक रही थी, जिसके बारे में किसी को भनक नहीं थी। इसी को ध्यान में रखकर गृह मंत्रालय द्वारा जूनी को NIA के ऑफिसर के तौर पर एक सीक्रेट मिशन के लिए वापस कश्मीर भेजा जाता है, और वो सीक्रेट मिशन था आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर घाटी में शांति बहाल करने का यह मिशन कैसे सफल होता है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है। 370 हटना कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और एक सार्थक कदम था, एक उचित और अनिवार्य कदम था। जब नेहरू सरकार ने घाटी में 370 लागू किया था, तब आतंकवादियों के लिए एक ऐसा दरवाजा खुल गया था जिससे वो जब चाहे देश में घुसकर आतंकवाद फैला सकते थे, क्योंकि भारत का संविधान और कानून वहां लागू नहीं होता था, जिसका जमकर फायदा उठाया गया। इसी के परिणाम स्वरूप शताब्दियों से रह रहे कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और उन्हें वहां से पलायन करना पड़ा। कहने को तो आर्टिकल 370 सिर्फ कश्मीर का मुद्दा है, लेकिन असल में यह पूरे देश का मुद्दा है, इसलिए इसे हटाना कश्मीर को दिया गया सबसे बड़ा गिफ्ट है। आर्टिकल 370 क्या था, इसको हटाने का क्या कारण था, इसके होने का क्या कारण था, क्या इसे हटाना सच में असंभव था या उसे जानबूझकर नहीं हटाया जा रहा था, इन सभी बातों को इसमें बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। जाहिर सी बात है, इतने कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर फिल्म बनाना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए फिल्म के मेकर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ऐसी फिल्मों के लिए लॉजिकल फैक्ट्स का होना बहुत जरूरी होता है, जो इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। उससे आप ज्यादा छेड़खानी भी नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत लंबी रिसर्च और गहन चिंतन की जरूरत होती है। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्ट्रक्चर बिल्कुल उरी के जैसा है, सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। एक खतरनाक मिशन से शुरुआत, उसके बाद फॉल बैक, फिर दिमाग हिला देने वाले डायलॉग्स, मेन कैरेक्टर का पर्सनल इश्यूज, तभी एक तगड़ा हमला और फिर इंटरवल। एक बात जो इसमें बहुत सही लगी वो ये थी कि इसमें जो बात है उसे सीधे सीधे मुंह फट होकर डायरेक्ट आसान तरीके से समझाया गया है। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब पाकिस्तान के द्वारा नकली करेंसी का ट्रांजेक्शन बंद हो गया था, उसके बाद आतंक फैलाने के लिए किस तरह से फंड जुटाया जा रहा था, यह चीज भी फिल्म में बहुत ही बारीकी से दिखाई गई है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्क्रीन प्ले। एक मिनट के लिए भी आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि इसका हर एक फ्रेम आपको अगला फ्रेम देखने के लिए तैयार करता है। लेकिन एक बात जो सबसे अजीब लगी वो ये थी कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स लिखकर भी कई कैरेक्टर्स के नाम बदल देना, ये बात थोड़ी खलती है। खैर, सिनेमैटिक लिबर्टी में इतना फेर बदल तो चल ही सकता है। फिल्म में सबके कैरेक्टर को रोल दिया गया है, सिवाय आतंकवादी बुरहान वानी के। उस मात को वैसा ही दिखाया गया है जैसा वो असली में दिखता था। बहुत जगह असली फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। इसका VFX और कैमरा एंगल्स भी बहुत बेहतरीन है, जिसकी मदद से इसे हॉलीवुड लेवल पर बनाने की पूरी कोशिश की गई है, जो कि साफ साफ दिखाई भी देता है। क्लाइमेक्स देखकर एक बात तो समझ में आती है कि मोदी जी का रोल हर कोई निभा सकता है, लेकिन अमित शाह को कॉपी करना इतना आसान नहीं है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म को खाड़ी के देशों में बैन कर दिया गया है। बड़ा ही सेंसिटिव समुदाय है भाई। खैर, उनके इस गुप्त रोग का कोई इलाज नहीं है। तो बेशक यह फिल्म देखने लायक है, पूरे परिवार के साथ देखने लायक है,
सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस फिल्म को जरूर देखिए। तो अगर आपने इस फिल्म को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसे हमसे जरूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।